आपके जंगल का टाइगर हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है, इसका कोई हल है आपके पास? विद्या बालन स्टारर फिल्म शेरनी का ऑफिशियल ट्रेलर YouTube पर 2 जून को जारी कर दिया गया था, जिसे अब तक करोड़ों लोगों ने देखा है। लेडी अफसर को यहाँ भेज दिया है। काफी तारीफ सुन रहा हूँ तुम्हारे काम की। विद्या के फैंस फिल्म में एक्ट्रेस के दमदार रियलिस्टिक लुक से पहले से ही प्रभावित हैं। अब ट्रेलर में एक वन विभाग अधिकारी के किरदार में विद्या बालन को देखना फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा रहा है। फिर लोग अपने जानवरों को चराने कहाँ ले जाएंगे सर? जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं, कोई हमारा ठेका थोड़ी है। हमको बेसिक चिंता करनी चाहिए टाइगर की। ट्रेलर में विद्या बालन जंगल के बीच अपने साथियों के साथ नजर आ रही हैं। 2 मिनट 27 सेकंड के इस ट्रेलर में फिल्म की कहानी कई जगह घूमती और उलझती दिखाई गई है। निश्चिंत रहिए, यहाँ का चार्ज अब मैंने ले लिया है, संभाल लूंगा सर। अगर आपके डिपार्टमेंट से नहीं हो रहा है तो हम ही कुछ कर लेंगे। ये प्री प्लान्ड मर्डर है विद्या जी, इट्स ए मर्डर। फिल्म के कंटेंट की बात करें तो एक आदमखोर शेरनी, डरे सहमे आसपास के लोग और शिकारी, इन सब के बीच विद्या बालन एक महिला अधिकारी के तौर पर सामने आती हैं और आदमखोर शेरनी के अलावा लोगों की खतरनाक और छोटी सोच का भी सामना करती है। ऐसी हो कॉलेज जैसी? बिल्कुल नहीं। इससे उभरने के लिए विद्या बालन एक सक्षम अधिकारी के तौर पर डटी रहती हैं और अपने काम को बारीकी से अंजाम देती नजर आ रही हैं। फिल्म में ग्लैमर और दिखावा जैसी चीजें बहुत कम हैं और ट्रेलर को देखकर लगता है कि पूरी फिल्म रियलिस्टिक सीन से भरी हुई है। कुंडली बनवा लेते हैं, कुंडली देख के पता चल जाएगा कि वो कब और कहाँ मिलेगा। एक बार शेर मिल गया तो आप उसकी आंख में आंख डालकर बता दीजिए। आपको बता दें कि इस फिल्म को अमित मासूरकर ने डायरेक्ट किया है, जिनके निर्देशन में बनी वर्सटाइल एक्टर राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म न्यूटन को काफी सराहना मिली थी। और जब यहाँ मुसीबत आन पड़ी है तो एक लेडी अफसर को यहाँ भेज दिया है। काफी तारीफ सुन रहा हूँ तुम्हारे काम की। शेरनी के जरिए टी सीरीज और अंबडंशिया एंटरटेनमेंट एक बार फिर यूनिक कहानी लेकर आया है। गॉड्स गिफ्ट, सब कुछ इधर। फिर लोग अपने जानवरों को चराने कहाँ ले जाएंगे सर? जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं, कोई हमारा ठेका थोड़ी है। हमको बेसिक चिंता करनी चाहिए टाइगर की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेरनी फिल्म की शूटिंग घने जंगलों में की गई है। मेकर्स ने शूटिंग के लिए कई दिन मध्य प्रदेश के बालाघाट में बिताए थे। फिल्म में विद्या बालन के अलावा विजय राज, शरद सक्सेना, मुकुल चड्ढा, इला अरुण, नीरज काबी और विजेंद्र काला जैसे कलाकार नजर आएंगे। ये प्री प्लान्ड मर्डर है विद्या जी, इट्स ए मर्डर। जानकारी के अनुसार फिल्म की कहानी आस्था टीकू ने लिखी है, इसका निर्देशक अमित मासूरकर ने किया है। लोग जंगल पर डिपेंड करते हैं, जंगल भी उन पर डिपेंड करता है। We should not lose this balance. और ये फिल्म Amazon Prime Video पर 18 जून 2021 को रिलीज होगी। फिल्म की अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को 3 स्टार मिले हैं। कुल मिलाकर विद्या बालन के फैंस के लिए ये फिल्म सरप्राइज से कम नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैंस के रिव्यूज मिले जुले सामने आ रहे हैं। कोई ट्रेलर को देखकर एवरेज बता रहा है तो कोई एडवेंचर से भरपूर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 24 न्यूज। शेर की आंखों में देखकर मैं पहचान जाता हूँ कि वो आदमखोर है या नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, शेर की कुंडली बनवा लेते हैं। कुंडली देख के पता चल जाएगा कि वो कब और कहाँ मिलेगा। एक बार शेर मिल गया तो आप उसकी आंख में आंख डालकर बता दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।